स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रमुख खनिज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सोना यानी गोल्ड के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। गोल्ड से आप जानते हैं गहने बनाए जाते हैं, बिस्किट बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। गहने आप जानते हैं महिलाओं को सोने के प्रिय होते हैं, तो हम लोग भी पहनते हैं चेन वगैरह, रिंग वगैरह हम लोग भी पहनते हैं। तो सोने के बेसिकली गहने बनाए जाते हैं, उसके बिस्किट बनाए जाते हैं और ये जो है इसके सिक्के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, थोड़ा सा हम लोग सोने की प्रॉपर्टी देखेंगे, उसका उत्पादन देखेंगे, उसका भंडारण देखेंगे, उसके बाद हम लोग रोल गोल्ड को देखेंगे कि रोल गोल्ड क्या होता है, उसके बाद हम लोग ब्लैक गोल्ड को देखेंगे जो अभी 2019 में वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, उसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो क्षेत्र देखना है कि प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसको मैप की सहायता से समझेंगे। तो सोना के बारे में चलिए शुरू करते हैं। सोना का, सोने के अगर हम डिनोट करने की बात करें तो AU से डिनोट किया जाता है, मतलब इसका जो संकेतांक है कैपिटल A है, स्मॉल U है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 79 है। थोड़ा सा प्रॉपर्टी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इसका गलनांक देख लेते हैं, सोने जो गलने लगता है गलनांक कितना है, 1063 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलने लगता है। इसका गलनांक ज्यादा होता है, कारण इसका ये होता है क्योंकि इसका घनत्व बहुत उच्च होता है, हाई डेंसिटी वाला धातु है। ठीक है, इसका क्वथनांक अगर हम देखें कितने पर ये उबल कर भाप बनने के रूप में आ जाता है, वो है 2770 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो गलनांक कितना हो गया 1063 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि क्वथनांक कितना हो गया 2770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका क्वथनांक। ठीक है, अब आइए देखते हैं सोना बनता कैसे, उसके बारे में समझते हैं। सोना बनाने की जो आजकल विधि हो रही है उसको मॉडर्न मेथड कहते हैं। दूसरा, जो पहले यूज होती थी उसको हाइड्रोलिक मेथड कहते हैं, हाइड्रोलिक मेथड बोलते हैं। तीसरी सबसे प्रचलित विधि है साइनाइड मेथड। तीनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। मॉडर्न मेथड क्या है, अगर मॉडर्न मेथड को आप समझना चाहें, देखिए सोना मिलता कहाँ है, हमारी क्वार्टर जो चट्टानें हैं उसकी सिराओं में पाया जाता है। क्वार्टर चट्टानों का हम चूरा बना लेते हैं, चूरा बनाकर उसको परतदार ताम्र थैलियों पर धोते हैं। धोने की वजह से जो सोने के मतलब स्वर्ण के जो भी कण होते हैं वो ताम्र थैलियों पर जमा हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस विधि से जब हम सोने का उत्पादन करते हैं तब उसको मॉडर्न मेथड कहते हैं। दूसरा है हाइड्रोलिक मेथड। हाइड्रोलिक मेथड क्या होता है, क्वार्टर चट्टानों को बहुत तेज पानी की धारा में बहाया जाता है, जिसकी वजह से जो सोना होता है, सोने का घनत्व उच्च होता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाता है। तो दूसरी विधि हो गई हाइड्रोलिक विधि, मतलब तेज जलधारा में क्वार्टर चट्टानों को बहाया जाना। तीसरी जो साइनाइड विधि है, ये साइनाइड विधि इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसका ये कारण है क्योंकि जब देखिए जब हम लोग धो रहे थे, हाइड्रोलिक विधि से निकाल रहे थे या हम लोग मॉडर्न विधि से निकाल रहे थे, तो पूरी तरह चूरा नहीं निकल रहा था, इसके लिए तीसरी विधि का यूज किया गया, उसको बोलते हैं साइनाइड मेथड। साइनाइड मेथड क्या होता है, जब सोने की मात्रा न्यूनतम हो किसी चट्टान में तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सोने को सोना लेते हैं, उसको क्लोरीन के साथ धो देते हैं, क्लोरीन के साथ मिक्स करते हैं, और जब क्लोरीन के साथ मिक्स करते हैं तब इस गोल्ड क्लोराइड यानी AuCl3 गोल्ड क्लोराइड में यह परिवर्तित हो जाता है, गोल्ड क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। सोने को क्या करते हैं, सोने देखिए इसको आप इस शब्द में भी लिख सकते हैं, जब सोने की मात्रा न्यूनतम हो, आपको लिखना कैसे, सोने की मात्रा न्यूनतम हो तब साइनाइड विधि का प्रयोग करते हैं। स्वर्ण को क्लोरीन द्वारा AuCl3 यानी गोल्ड क्लोराइड में परिणित कर लिया जाता है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, जल में विलेय कर लेते हैं, जल मिला देते हैं और इसमें विलेय कर लेते हैं, जल में विलेय कर लेते हैं, जल में विलेय करने के बाद इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S प्रवाहित कर देते हैं, जिससे गोल्ड सल्फाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, गोल्ड सल्फाइड। जब गोल्ड सल्फाइड बन जाता है तो इसको जब दहन करते हैं, जब इसको गर्म कर लेते हैं तो हमको सोना प्राप्त हो जाता है, इस विधि को साइनाइड विधि कहते हैं। फिर से बता देते हैं क्या करते हैं, सोने को क्लोरीन द्वारा AuCl3 यानी गोल्ड क्लोराइड में परिणित कर लिया जाता है, फिर उसको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, जल में विलेय कर लिया जाता है, आप कह सकते हैं जल में विलेय कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जो सोना होता है गोल्ड सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो गोल्ड सल्फाइड में परिवर्तित होने के बाद जब उसका दहन किया जाता है तो हमको स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी भी चट्टान में या क्वार्टर चट्टानों में सोने की मात्रा एकदम न्यूनतम हो। तो ये तीन विधियां प्रचलित हैं सोना निकालने की, ठीक है, सोना प्राप्त करने की। अब देखते हैं सोना भंडार की अगर हम बात करें, जितना विश्व में भंडार है उसमें सोने के भंडार 2019-20 की अगर जो नवीनतम स्थिति अगर हम देखेंगे
तो ऑस्ट्रेलिया नंबर एक पे है, कुल भंडार का 20% भंडारित करके कितना है, नंबर एक पर है। 10% जितना टोटल हमको सोना ज्ञात है उसका 10% भंडार के साथ रूस दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका 6.4% के साथ है। चौथे नंबर पर यूएसए है 6% के साथ। पांचवें नंबर पे इंडोनेशिया है 5.2% के साथ। तो नंबर एक पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर रसिया हो गया, फिर साउथ अफ्रीका हो गया, फिर यूएसए हो गया, फिर आपका इंडोनेशिया हो गया। ध्यान रखिएगा, सबसे नंबर एक पर सोना भंडारण में कौन है, ऑस्ट्रेलिया। कितना परसेंट टोटल का भंडारण करता है, 20%। रसिया नंबर दो पे है। वैसे आपको चार क्रम याद करना होता है, लेकिन भंडारण में अगर आप एक दो क्रम भी याद कर लेंगे चल जाएगा, उत्पादन में चार क्रम याद करिएगा। रूस जो है 10% के साथ किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है भंडारण की दृष्टि से। अगर हम उत्पादन की बात करें तो सोने का देखिए भंडारण तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा था 20% के साथ, लेकिन अगर हम उत्पादन करने की बात पे आते हैं तो चीन 12% कुल सोने का उत्पादन जितना 19-20 में हुआ है उसका 12% उत्पादित करके चीन जो है पहले स्थान पे है। जितना सोने का उत्पादन हुआ है 2019-20 में उसका 12% उत्पादित करके चीन नंबर एक पर है। ऑस्ट्रेलिया 9% जितना उत्पादन हुआ है 19-20 में उसका उत्पादन करके दूसरे नंबर पे है। रूस 8% के साथ तीसरे नंबर पे है। 6% के साथ यूएसए चौथे नंबर पे है। कनाडा 5% के साथ पांचवें नंबर। तो आपको क्रम याद करना पड़ेगा कि चीन नंबर एक पे है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद रूस है, फिर यूएसए है, फिर कनाडा है। ये उत्पादन की स्थिति है और ये भंडार की स्थिति है, ये आपको याद कर लेना है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, भारत में सोना भंडारण 2019-20 की स्थिति देख लेते हैं। भारत में सोना भंडारण की अगर बात करें तो बिहार 44% के साथ लगभग आप कह सकते हैं आधा, बिहार नंबर एक पे है भंडारण की दृष्टि से 44% के साथ। उसके बाद 25% के साथ राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पे है। कर्नाटक भंडार में तीसरे नंबर पर है, ध्यान रखिएगा कर्नाटक जो है भंडार में 21% भंडारण के साथ तीसरे नंबर पे है, जबकि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश 3% भंडार के साथ चौथे नंबर पे है। तो बिहार नंबर एक, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश दो स्थान पे है। अगर हम सोना उत्पादन 2019-20 का देखें तो कर्नाटक जो है 99% सोने का उत्पादन करता है, क्योंकि बिहार के सोने उत्पादित करने में अभी हमको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली है, किस तरह वहां पे निकाला जाए, ठीक है, क्योंकि जो नदियां हैं उनकी रेतों में पाए जाते हैं तो बहुत अच्छे से हमको वो विधि अभी नहीं आती है, जब डेवलप हो जाएगी तो हम लोग उत्पादित करने लगेंगे। तो कर्नाटक में 99% सोने का उत्पादन किया जाता है, झारखंड से 1% सोने का उत्पादन किया जाता है। बाकी अगर भारत में सोना उत्पादन आता है तो आपको सीधे के सीधे कर्नाटक लगा देना है, ठीक है। अब आइए समझते हैं रोड गोल्ड की थोड़ी सी बात, एक सेकेंड जरा ये देखने क्या लिख के आ गया, ठीक है चलिए थोड़ा सा रोल गोल्ड की बात देख लेते हैं और समझते हैं कि रोल गोल्ड क्या है। ठीक है रोल गोल्ड देखिए, रोल गोल्ड जो होते हैं वो ये आप समझ लीजिए चोरों को बेवकूफ बनाने के लिए नॉर्मली पहना जाता है, सो के लिए पहना जाता है, क्योंकि सोने की तरह दिखता है इसलिए उसको पहना जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आप रोल गोल्ड देखेंगे तो उसमें कॉपर यानी Cu 90% होता है, सोना कुछ होता ही नहीं है, बाकी जो एल्युमिनियम होता है प्लस आप एल्युमिनियम 10% लिख सकते हैं, ठीक। कॉपर जो होता है 90% यानी Cu 90% और एल्युमिनियम 10% मिलाकर रोल गोल्ड बना लिया जाता है, जो बिल्कुल सोने की जैसा दिखता है, उसको रोल गोल्ड कह सकते हैं। अच्छा एक शब्द और होता है यहीं पे, ग्लाइडिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, सोने का पानी चढ़ाना इसको कहा जाता है। जब कोई पीतल या तांबे की धातु हम बनाते हैं तो उस पर सोने का पानी चढ़वा लेते हैं तो एकदम बिल्कुल सोने की तरह लगता है, तो वो भी एक शब्द होता है ग्लाइडिंग। बाकी ये रोल गोल्ड है जिसमें Cu जो है 90% होता है, एल्युमिनियम 10% होता है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इससे भी गहने बनाए जाते हैं चोरों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि चोरी भी हो तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये अगला जो पॉइंट आपके सामने आ रहा है इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड। क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ब्लैक गोल्ड को क्या किया गया, जो हमारा सोना था वो जो आकृति में व्यवस्थित था, मान लीजिए सोना जिस आकृति में, मान लीजिए इस आकृति में व्यवस्थित था, उसका आकार आप व्यवस्थित करके देख सकते हैं, कुछ इस तरह व्यवस्थित होता है सोना,
फिर यहाँ पे कुछ इस तरह व्यवस्थित होता है। ये जो व्यवस्थित है, ये जो व्यवस्थित स्थिति है, इसको नैनो पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नैनो पार्टिकल के नाम से जानते हैं। जो नैनो पार्टिकल हैं, वैज्ञानिकों ने 2019 में क्या किया कि यही नैनो पार्टिकल को फिर से अरेंज कर दिया, थोड़ा सा इनकी दूरी बढ़ा दी और इनको फिर से अरेंज कर दिया, कुछ इस तरह कर दिया। जब इनको कुछ इस तरह कर दिया, इस पर हॉट इलेक्ट्रॉन डाले गए, तो इसके जो नैनो पार्टिकल से थोड़े उनमें दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ने की वजह से ये ब्लैक हो गए, तब इनको ब्लैक गोल्ड कहा गया। अच्छा, ब्लैक गोल्ड ईजाद करने का एक और बहुत बड़ा कारण है, उसका ये कारण है, जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि भारत को 2030 तक 40% जो बिजली की खपत है उसको अकार्बनिक ऊर्जा द्वारा पूरा करना होगा। और दूसरी बात उसी में कही गई थी कि 2030 तक भारत को लगभग 33% वनाच्छादन करना होगा। तो इतनी जल्दी तो मतलब हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 21.54 के आसपास है, 33% करना बहुत बड़ी बात है, 9 साल मुश्किल से बचा हुआ है। तो ये जो ब्लैक कार्बन है, सॉरी, जो ब्लैक गोल्ड है, इससे बहुत सहायता मिलने वाली है। इसका कारण है जो ब्लैक गोल्ड डेवलप किया गया, देखिए मैंने आपको बताया इसमें कुछ मिलाया नहीं गया, केवल इसके जो नैनो पार्टिकल थे उनको अलग अलग करके फिर से अरेंज कर दिया गया। अरेंज करने के जब नए रूप से अरेंज करा उन्होंने, तब पाया कि वो ब्लैक हो जाता है, और ब्लैक होने के कारण ये जो होता है कार्बन को अवशोषित करने लगा, सूर्य के विकिरण को अवशोषित करने लगा। जब ये सूर्य को विकिरण को अवशोषित करने लगा और कार्बन को अवशोषित करने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने लगा, तब वैज्ञानिकों ने एक मतलब कृत्रिम प्लांट बनाया, मतलब पेड़ बनाया, जिससे क्या किया, कृत्रिम फोटोसिंथेसिस यानी कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण करने लगे। और ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण करने से क्या होगा कि हमको जल्दी से जल्दी इस तरह के बहुत सारे पौधे डेवलप कर लेने चाहिए जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने लगे, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करने लगे। दूसरी बात, जो हमारे सूर्य से जो भी विकिरण आते हैं उनको अवशोषित करने लगा, ये अवशोषित करने के कारण CO2 को मीथेन में बदलने लगा, जिससे एनर्जी मिलने लगी। दूसरा, इसका सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ, जब ये लोग बना रहे थे तो इसके चारों ओर जो प्लेट एक लगा दिए सिल्वर की, जब प्लेट लगा दिए तो इसमें क्या हुआ कि प्लेट जो प्लेट लगाने के बाद जब इसको प्रकाश के सामने रखा गया तो इसका टेम्परेचर 38 से बढ़कर 68 हो गया। तब इसको क्या करने लगे, तब ये समझा जाने लगा कि अगर इसको छोटे छोटे नैनो हीटर बनाकर अगर समुद्र के पानी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पीने के पानी में, क्योंकि ये भी आप जानते हैं पेरिस समझौते में कहा गया है कि 2030 तक भारत में 40% लगभग पानी की कमी होने वाली है, जिसमें से हर भारतीय, चौथे भारतीय में एक भारतीय प्यासा रह जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसको पानी जो है, पानी के रूप में, पानी के एक अच्छे रूप में देखा जा रहा है कि पानी जो समुद्र का पानी है उसको पीने के पानी के रूप में कन्वर्ट करने में इससे सहायता मिलेगी। तो इसकी क्या क्या खासियत हो गई, पहला CO2 को अवशोषित करने की क्षमता रखता है जो हमारा ब्लैक गोल्ड है, दूसरा ये जो है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर सकता है, तीसरा पानी, पीने का पानी बना सकता है छोटे छोटे नैनो हीटर बनाकर, चौथी चीज क्या हो सकती है, इसके छोटे छोटे सोलर पैनल बनाए जा सकते हैं। सोलर पैनल बनाने की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये CO2 को मीथेन में कन्वर्ट कर सकता है CH4 में, तो इसके छोटे छोटे क्या कर सकते हैं हम लोग, सोलर पैनल बना सकते हैं, जो विद्युत की खपत 40% अकार्बनिक ऊर्जा से बताई गई उसकी पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। तो ब्लैक कार्बन 2019 में खोजा गया है, अभी इस पे शोध चल रहा है, अगर सब कुछ सही रहा तो इससे हम लोग बहुत फायदे में आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं, ये हो गई ब्लैक गोल्ड की बात, ठीक है। आगे देखिए, ये सोना उत्पादन क्षेत्र आपके सामने आ गया, हालांकि अभी आपको लिखा भी आएगा जिससे आपको नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बूटे क्षेत्र है वहां पर सोने का उत्पादन किया जाता है, जो अलास्का क्षेत्र है यहां पे सोने का उत्पादन किया जाता है, ब्लैक हिल्स यहां पे है, तो यहां पे भी सोने का उत्पादन यहां से भी होता है, सोने का उत्पादक क्षेत्र है ये। मेडलिन जो अभी है कोलंबिया का, यहां भी सोने का उत्पादन किया जाता है। साओ पाउलो ब्राजील का है, यहां भी सोने का उत्पादन होता है, इसको आप बना सकते हैं। आइवरी कोस्ट दक्षिण अफ्रीका का, यहां पे आइवरी कोस्ट स्थित है, यहां से भी सोने का उत्पादन होता है। उसके जस्ट बगल घाना है, घाने से भी क्या किया जाता है, सोना का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते ही है, ये भी आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, गोल्ड कोस्ट, क्योंकि यहां से सोने का उत्पादन किया जाता है, गोल्ड कोस्ट करते हैं।
किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में है, वहां से सोने का उत्पादन होता है। लंडनबर्ग है, वहां से भी सोने का उत्पादन होता है। बाकी भारत में आप कोलार देख ही रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएंगे तो कालगुडी जो खान सोने की खान है, यहाँ से कुलगाडी से और पिलवरा क्षेत्र से केप यॉर्क से, यहाँ सबसे ऑस्ट्रेलिया में सोने का उत्पादन किया जाता है। आप अभी लिखा हुआ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही तुर्की में अदाना क्षेत्र से भी सोने का उत्पादन किया जाता है। रसिया के चीता क्षेत्र से भी सोने का उत्पादन होता है और मैगडोन क्षेत्र से भी होता है। चीन में मंचूरिया क्षेत्र और हुनान, ये हुनान है, हुनान क्षेत्र से क्या होता है, सोने का उत्पादन किया जाता है। आइए थोड़ा सा लिखा हुआ पढ़ते हैं तब आप समझ जाएंगे, शायद लिखा हुआ जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए दक्षिण अफ्रीका में अगर हम सोने के उत्पादन को देखेंगे यहाँ पे, तो बिट्सवाटसरैंड की पहाड़ी में यानी जोहान्सबर्ग जो एरिया है वहां से क्या होता है, सोने का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बोक्सबर्ग ऑरेंज फ्री स्टेट जो है वहां से सोने का उत्पादन किया जाता है। किम्बरले की खान से, हमने केवल किम्बरले शो किया है, ठीक है। यूएसए का हमने दोनों दिखा दिया है, ग्रेट साल्ट लेक क्षेत्र है और यहाँ पे अलास्का क्षेत्र है जहां से सोने का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया में माउंट मॉर्गन है, कालगुडी खान है, कुलगाडी खान है, तो यहाँ सबसे सोने का उत्पादन किया जाता है। अब बात करें अगर भारत की, भारत के उत्पादन की, तो जो देश का अधिकांश स्वर्ण है वो कर्नाटक, कर्नाटक की धारवाड़ सिस्ट से, उसकी क्वार्टर जो चट्टाने हैं उसकी सिराओं से प्राप्त किया जाता है। आप जानते हैं कर्नाटक के कोलार और हट्टी स्वर्ण क्षेत्र से जो है सर्वाधिक सोने का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पे उत्पादन की बात हो रही है, भंडारण की नहीं हो रही है। जो GMFS गोल्ड सर्वे है 2016 के अनुसार, इसमें विश्व की जो स्वर्ण की सर्वाधिक खपत बताई गई है वो भारत को बताई गई, चीन दूसरे नंबर पे है। देश में पहला स्वर्ण परिशोधन जो कारखाना है निजी क्षेत्र का, महाराष्ट्र के धुले जिले में स्थापित किया गया है, के सिरपुर में स्थापित किया गया है। उसकी बात अगर करें, जबकि सोना जो हरियाणा का है, यहाँ एक गोल्ड रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। तो ये हम लोगों ने सोना का पढ़ लिया, उसके क्षेत्रों को पढ़ लिया, उसके बारे में जान लिया, उसके बारे में समझ लिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।